जमशेदपुर में लगातार हो रहे अवैध शराब भट्टी के छापामारी में बुधवार को आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी थाना क्षेत्र के जसनडी और कदमा थाना क्षेत्र में छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। वहीं अवैध शराब भट्टी संचालक दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी और कदमा में छापेमारी कर संचालक दो व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। वहीं जानकारी देते हुए महेंद्र देवगम ने कहा, विभाग को गुप्त सूचना मिली थी, परसुडी और कदमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के कारोबार चल रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने छापामारी कर 400 लीटर अवैध शराब की जब्त किया। साथ ही दो संचालक परसोडी निवासी राम प्रसाद जसवाल, राम जन्म नगर कदमा निवासी राम बिरवा को गिरफ्तार किया गया। उधर विभाग ने दोनों अभियुक्त को मेडिकल टेस्ट करवाकर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी करने में जुटी है। वहीं पे हम लोग सुबह तकरीब 4 बजे आसपास छापामारी किए और 400 लीटर चुलाई शराब और 1-2 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।